राष्ट्रवादी सरकार का किया भीम आर्मी ने विरोध। सोमवार को भीम आर्मी के पदाधिकारी एकत्र होकर कलेक्ट्रेट पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने जोरदार धरना प्रदर्शन किया और बताया सरकार द्वारा भगवान वाल्मीकि का मंदिर तोड़ दिया जाता है। दिल्ली में संत रविदास मंदिर तोड़ दिया गया इसके विरोध में जब भीम आर्मी के पदाधिकारी सड़कों पर उतरे तो उन्हें झूठे मुकदमे फंसा कर जेल भेज दिया, जिसको लेकर भीम आर्मी के पदाधिकारियों से और उन्हें इस मामले में ज्ञापन कलेक्ट्रेट में दिया। करना चाहता हूँ कि जो हमारे दलितों के अधिकारों का हरासमेंट किया जा रहा है उसके खिलाफ हम आज तो आपको केवल आगाह करने आए हैं। आने वाले समय में हम सड़कों पे भी आएंगे, हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, हम करो मरो की नीति पर भी आएंगे। आपने हमारी शिक्षा पे डाका डाला है, नौकरियों पे डाका डाला है, हमारे अधिकारों पे डाका डाला है, संवैधानिक जो भी आपके संस्थाएं हैं उन पे आपने डाका डाला है, उन्हें हैक कर लिया है, नौकरियां छीन ली हैं, हमारे अधिकारों को भी छीना जा रहा है। आप हमारी ऐतिहासिक धरोहर को समाप्त करना चाहते हैं, आप हमारा ऐतिहासिक अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। आप एपीएम के माध्यम से हमारे वोट की चोरी भी करते हैं और आज आपने खुलेआम डाका डालना शुरू कर दिया है हमारे संवैधानिक अधिकारों पर, आपने हमारे ऐतिहासिक स्थलों पर। इसी कड़ी में आपने हमारा संत श्रोमणि श्री रविदास जी का मंदिर जो 600 साल पुराना था आपने मंदिर तोड़ा। आप मंदिर बनाने की बात करते हैं, अरे क्या हम दलित हिंदू नहीं हैं? क्या भगवान राम का मंदिर बनेगा? हमें इससे कोई ऐतराज नहीं था। हमारा मंदिर आपने 600 साल पुराना तोड़ दिया, जिसका सबूत है वहाँ की सरकार ने भी माना कि ये मंदिर 600 साल पुराना था। आपने मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपने मंदिर हमारा ही मंदिर ध्वस्त कर दिया, इसका मतलब हम हिंदू नहीं हैं, हम दलित हिंदू नहीं हैं। साथियों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इन्होंने कश्मीर में 1 करोड़ मुसलमान भाइयों को बंधक बना दिया है और उनके बच्चों को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जो वहाँ से बाहर पढ़ रहे हैं उनके माता पिता ही अभिभावक ही फीस की भरपाई करते हैं और उन बच्चों का अपने माता पिता से संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह कराना चाहूँगा कि वो कोई ईरान से नहीं आए हैं, वो कोई तेहरान से नहीं आए हैं, वो इस हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए हैं, वो यहीं की संतान है, यहीं के इंसान है। हम उनके समर्थन में हैं और उनको जल्द से जल्द सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। यदि नहीं की जाती हैं तो हम मुस्लिम बंधुओं के सपोर्ट में सड़कों पर आएंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे और करो मरो की नीति से सरकार का विरोध करेंगे। सरकार को हम चुनौती देते हैं, उसे आगाह करते हैं हमारे खिलाफ जो भी कदम उठाए वो अख्तियार करें। हम अपने भीम आर्मी प्रमुख श्री चंद्रशेखर जी को आजाद कराने की भी सरकार से अन्य भी नहीं करते हैं। हम ये खुलेआम उन्हें चैलेंज देते हैं कि तत्काल उन्हें रिहा कर दिया जाए, अन्यथा जेलें इतनी भर दी जाएंगी कि वहाँ पैर रखने का जगह नहीं। एडवोकेट अजय प्रधान, मामला ये है कि जो सरकार इस समय शासन कर रही है वो सारे काम दलित विरोधी हो रहे हैं, बहुजन विरोधी हो रहे हैं। वो हर तरीके से ये कोशिश कर रही है कि जो पुरानी परंपरा रही है सूत्र व्यवस्था वो लागू करने की कोशिश कर रही है। उसके उदाहरण आप देख सकते हैं, हमारे महापुरुषों को जो निशानियाँ हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ हमारी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, एक तरफ हमारे महापुरुषों पर जोर दिया जा रहा है। महापुरुषों के नाम पर जो मंदिर हैं, महाराज वाल्मीकि का मंदिर तोड़ा गया, संत रविदास का मंदिर तोड़ा गया, एजुकेशन के लिए फीस बढ़ोतरी कर दी गई, हमारे समाज में भी इतनी ताकत नहीं है कि 24 गुना फीस दे सके। ये जो दोहरी नीति के साथ व्यवस्था करी जा रही है, काम किया जा रहा है, वो गलत है। इसलिए भीम आर्मी रोड पर आई है और ये विरोध प्रदर्शन करने आई है कि जो भी इसके न्याय नीति फैसले हैं ये गलत है, उनको वापस ले। आश्वासन दिया है कि हमारा पत्र पहुँचा दिया जाएगा, जो हमारा ज्ञापन है पहुँचा दिया जाएगा और देखें क्या सुनवाई होती है। जी जब सुनवाई पूरी नहीं होगी तो और कदम उठाया जाएगा, संवैधानिक माध्यम से उठाया जाएगा, रोडों पर आया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, प्रदेश छोड़ो भारत बंद किया जाएगा, उसमें जो भी जानमाल होगा फिर सरकार देखेगी इस चीज़ को।